यूपी के महोबा में नगर पालिका के द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एक मुस्लिम जोड़ा समेत 15 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। विवाह समारोह में सदर विधायक राकेश गोस्वामी समेत नगर पालिका अध्यक्ष और बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभी ने आशीर्वाद और उपहार नव दंपत्ति जोड़े को दिए गए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गरीबों के हित के लिए चलाए जा रहे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह के अंतर्गत महोबा नगर पालिका के द्वारा 7वीं बार विवाह समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया है। आपको बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष की अध्यक्षता में उक्त कार्यक्रम का आयोजित किया गया। बिल्कुल, ये जैसा आप सभी पत्रकार बंधु जानते हैं, हमेशा नगर पालिका ये 7वीं बार विवाह समारोह करने जा रही है। ये माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की योजना है, जिसके तहत हम ये विवाह समारोह रख रहे हैं। इसमें हमारे पूरे 15 जोड़ा हैं, इसमें एक मुस्लिम जोड़ा है, जो कि मैं एक बार जरूर कहना चाहूँगी, जो हमारे यहाँ आजकल प्रचार प्रसार चल रहा है कि ये योगी जी हो या मोदी जी, जातिवाद का ज़्यादा नारा लगाते हैं सभी विपक्षी, तो इसमें आप खुल के देखते हैं कि सात हमारे यहाँ जो 7वां ये विवाह समारोह है, और मुझे लगता है हर विवाह समारोह में कभी मुस्लिम जोड़ा एक होता है, कभी दो हो जाता है, कभी तीन हो जाता है, लेकिन इसमें हमने कभी कोई पक्षपात नहीं किया है। हमारे यहाँ माननीय योगी जी का निर्देश है कि जैसे एक पंडित को बुलाकर हम भावरे कराते हैं अपनी जोड़ों ये हिंदू जोड़ों की, उसी तरह हम मौलवी को भी, आप हमारे साक्ष है, आपने सामने देखा भी है कि मौलवी को बुलाकर बाकायदे हम जो मुस्लिम जोड़ों की विवाह समारोह होता है, उसी तरह से उन्हीं रीति रिवाजों के तहत मैं उनका विवाह करा रही हूँ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत नगर पालिका परिषद महोबा के कार्यक्रम स्थल पर 15 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ है। बतौर आशीर्वाद शासन से इनके लिए 35,000 रुपये इनके खाते में दिए जाते हैं। फिर इनके 7 तरह के बर्तन दिए जाते हैं, जिसमें कुकर, थाली, लोटा, परात, चम्मच आदि हैं। एक कीपैड मोबाइल दी जाती है, एक बक्से दिए जाते हैं।